जैसी बजाई ज्ञान की वीणा झूम रहा संसार, जैसी बजाई ज्ञान की वीणा झूम रहा संसार। जिसे भी देखो वो करता है जगदम्बा से प्यार, शांति। मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के जीवन का हम सभी दर्शन कर रहे हैं, कैसे मम्मा ने इतनी छोटी आयु से अपने आप को इतना परिवर्तन करके जगत माता बन गई, विश्व की जगदम्बा बन गई। तो मम्मा के जीवन में जो विशेषताएं थी वो हम सब सुन रहे हैं। मम्मा में एक खास विशेषता ये भी थी कि मम्मा की अवस्था सदा एक रस रहती थी। चाहे यज्ञ में कितने भी बड़े विघ्न आए, कितनी भी बातें आई, लेकिन मम्मा की अवस्था कभी हलचल में नहीं देखी, क्योंकि मम्मा को जितना बाबा पर निश्चय था उतना ही निश्चय ड्रामा पर भी था। चाहे कितनी भी कोई भी परिस्थिति आती तो मम्मा हमेशा कहती कि ड्रामा कल्याणकारी है। 5000 साल पहले भी स्थापना हुई थी तो अभी भी होकर ही रहेगी, इसमें कुछ भी डगमग होने वाला नहीं है। इस तरह मम्मा हमेशा एकरस अवस्था में रहती। मम्मा के अंदर एकाग्र बुद्धि भी थी, जैसे अर्जुन के लिए कहते कि अर्जुन का ध्यान मछली की आंख पर था, तो ऐसे ही हमारी मम्मा, उनकी भी बुद्धि एकाग्र थी। मम्मा की बुद्धि कभी भी किसी बात में विचलित नहीं होती थी। जो काम बाबा ने कहा तो वो एकाग्र बुद्धि से, परफेक्शन से मम्मा करके दिखाती थी। तो ऐसी मम्मा एकाग्र बुद्धि, एक रस अवस्था वाली, और तो और हमारी मम्मा के अंदर हर आत्मा के प्रति समभाव और श्रेष्ठ भाव था। चाहे कोई छोटी कन्या, कोई साधारण भी कोई हो, लेकिन हर एक के प्रति मम्मा का भाव श्रेष्ठ था। ऐसा ही एक उदाहरण था। एक बार क्या हुआ, मम्मा के पास एक बहन ने आके कहा कि मम्मा, मेरे पास जहां मैं रहती हूँ तो मेरे साथ जो बहन है वो थोड़ी काम में ढीली है, वो ढीला ढीला काम करती है, तो मुझे उसके साथ मजा नहीं आता, मेरी उसके साथ सेटिंग नहीं होती है। तो मम्मा, आप उस बहन को वहां से चेंज करके मुझे कोई होशियार तीक्ष्ण बुद्धि वाली बहन दो। तो मम्मा ने क्या जवाब दिया उस बहन को, मम्मा ने कहा, नहीं बच्ची, जो तुम्हारे पास बहन है अगर उसको तुम ऐसे ही छोड़ दोगी तो उसका वो ढीलेपन का संस्कार सदा के लिए रह जाएगा। वो भी बाबा की बच्ची है, अगर तुम उसको अपने साथ रखकर तुम अपने भी गुण उसमें भरोगी तो उसका वो अवगुण निकल जाएगा। आखिर वो भी तो होवनहार देवता है ना, तो क्यों नहीं सीखेगी, वो भी सीख जाएगी। तो इस तरह मम्मा ने औरों को अपने गुणों की शिक्षा देकर हर आत्मा के प्रति संभाव और श्रेष्ठ भाव रखा। तो ऐसी हमारी मम्मा जगदम्बा का जीवन अनेक अनेक विशेषताओं से भरा हुआ। तो हम भी अपने आप को देखें कि क्या हमारी भी अवस्था एक रस रहती है, हमारा भी मम्मा के जैसे ड्रामा पर अटल निश्चय है, हमारी भी बुद्धि एकाग्र है। तो इन सब विशेषताओं को हमें अपने अंदर धारण कर ऐसा मातेश्वरी जगदम्बा समान बनना है। ओम।